हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। आज के फिल्म 1000 जी नोट। आज हम देखेंगे कि कैसे 1000 का नोट एक महिला के लिए अभिशाप बन गया। ये कहानी आपको पूरी तरह से झकझोर देगी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव फुलंबरी से हुई। वहां हम एक बूढ़ी नाम की महिला को देखते हैं। वो बूढ़ी तो है, पर शायद से उसका नाम भी बूढ़ी ही है। हर कोई उसे इस गांव में जानता है। चलते वक्त उसकी चप्पल टूट गई। मोची के पास गई तो उसने कील ठोकने का 1 रुपये मांगे, पर बूढ़ी ने खुद कील ठोककर उसे 50 पैसे थमा दिए। पर उस शख्स ने वो पैसे भी उसे लौटा दिए कि इस पैसे से चाय पी लेना। बूढ़ी पैसों के मामले में बहुत कंजूस है। वो वहीं गाँव के एक झोपड़े में अकेले ही रहती है, अकेले ही खाना पकाना, और उसका इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। रात तेज बारिश होने लगी। गांव के किसानों के लिए तो बारिश किसी तोहफे से कम नहीं, पर बूढ़ी के लिए बारिश किसी आपदा से कम नहीं थी, क्योंकि तेज बारिश में उसके झोपड़े की छत टपकने लगती। इस बुढ़ापे में अक्सर एक सहारे की कमी महसूस होती। ये बारिश उसे किसी अपने की याद दिलाती थी। दरवाजे से बाहर देखते वक्त वो काफ़ी भावुक हो गई। यहाँ हमें उसका पास्ट पता चला। उसका भी एक जवान बेटा था, हनुमंत्या। उस दिन भी तेज बारिश हो रही थी, पर वो गया तो फिर लौट कर नहीं आया। कहकर गया था कि साहूकार से कर्ज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। माँ ने लाख मना किया, पर वो नहीं माना। पति काफ़ी वक्त पहले ही किसी बीमारी में गुजर गया। घर पर बस एक बहू और उसका बेटा ही थे। उसका बेटा एक किसान था, ना ही फसल अच्छी हो रही थी, ऊपर से कर्ज बढ़ता जा रहा था। उसी दबाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। उसने एक बार को नहीं सोचा कि घर पर एक बूढ़ी माँ और एक पत्नी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लड़की के पिता ने अपनी बेटी को सलाह दी, जब तेरे पति का क्रियाकर्म हो जाए तो मेरे साथ घर चल, वहाँ तेरी दूसरी शादी करवा देंगे, और तू यहाँ इस बुढ़िया के साथ अपनी जवानी बर्बाद मत कर, क्योंकि हनुमंत्या को एक भी बच्चे नहीं थे। उसके बाद उसकी पत्नी अपने गहने और सामान लेकर वहाँ से निकल गई और बूढ़ी को अपने हाल पर छोड़ दिया। पर बूढ़ी के बेटे की कमी पूरी करता है वहीं पास में रहने वाला सुदामा, जो बूढ़ी का काफ़ी ख्याल रखता। उसकी पत्नी थे, बच्चे थे। उसकी पत्नी भी बूढ़ी को माँ की तरह मानती। सुदामा को बूढ़ी के हाथ की चाय काफ़ी पसंद थी, इसलिए वो अक्सर उसके पास चला आता। चाय तो एक बहाना था, वो बस बूढ़ी के अकेलेपन को दूर करना चाहता था। यहाँ हमें पता चला कि बूढ़ी इतने पैसे क्यों बचाती है, क्योंकि घर पर दूसरा कोई कमाने वाला नहीं, तो जो भी पैसे रहते उसे हिसाब से ही खर्च करती। हर सुबह उसकी एक ही आदत थी, 2 रुपये का गुड़ और 2 रुपये का दूध लेना चाय बनाने के लिए। लोग दे भी देते, क्योंकि लोग बूढ़ी के हालत से अच्छे तरह से परिचित थे। नियम से रोज़ मंदिर भी जाती। इस बुढ़ापे में मांगने जैसा कुछ था भी नहीं, बस यही प्रार्थना करती कि ये बुढ़ापा अच्छे से कट जाए। गांव में दीवारों पर लगे पर्चे को देख साफ पता चल रहा था कि चुनाव नज़दीक है। घर का खर्चा चलाने के लिए वो पास के ही एक सेठानी के घर झाड़ू पोछा का काम कर लेती। यहाँ बूढ़ी ने जिक्र किया कि कल बारिश काफ़ी मूसलाधार हुई। सेठानी ने पूछा, क्या तेरे घर की छत टपक रही थी? और उसकी बात पर कोई खास ध्यान न देकर वो फिर से अखबार पढ़ने में व्यस्त हो गई। लहरों का पता कश्ती से पूछो, किनारे पर बैठा शख्स तो सिर्फ शोर के बारे में बता सकता है। सुदामा ने बूढ़ी से बताया कि आज सांझ खाने पर चलना है, इसलिए आज खाना मत बनाना, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए उत्तम राव गाँव में आ रहे हैं। बूढ़ी काफ़ी खुश हो गई कि आज उसे खाना बनाने की झंझट से छुट्टी मिली। सुदामा और उसके पत्नी के बीच होती नोक झोंक का बूढ़ी काफ़ी आनंद लेती। इसमें सुदामा भी उसका पूरा साथ देता, जैसे बूढ़ी उसके ही परिवार का हिस्सा हो। बूढ़ी को अक्सर अपने बेटे की याद आ जाती। अगर आज वो ज़िंदा होता तो उसका भी एक खुशहाल परिवार होता। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। हम देखते हैं गाँव में मंच लग गया। उत्तम राव वहाँ कभी भी आ सकता है। सुदामा बूढ़ी और अपने परिवार को लेकर उस तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें उसी गांव का एक शख्स मिला, जो अपनी गाड़ी से उसी तरफ जा रहा था। उसने उन्हें भी साथ ले लिया। थोड़ी देर बाद वो सभी वहां पहुंच गए।
वहाँ सामने बैठे हुए तीन शख्स इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि उन्हें खाना कब मिलेगा। न तो उन्हें इस चुनाव में कोई दिलचस्पी थी, न ही उस उत्तम राव में। वो तो बस यहाँ खाने आए थे। सिर्फ वो तीनों ही नहीं, वहाँ भीड़ में बैठा हर एक शख्स बस यहाँ अपना पेट भरने आया था। न तो उन्हें इस गांव में कोई प्रगति चाहिए, ना ही रोजगार और ना ही एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था। उत्तम राव का चुनाव चिन्ह गाय थी। उत्तम राव ने उन्हें कहा, अगर उन्हें गांव में विकास चाहिए तो उसे इस बार भी चुनाव जितवाना ही होगा। यहाँ पता चला कि पिछला चुनाव भी उत्तम राव ने ही जीता था। यहाँ बैठे सुदामा और बूढ़ी को भी चिंता होने लगी कि खाना कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा। काफ़ी देर तक उत्तम राव का भसड़ चला, उसमें कुछ नया नहीं था। वही हर बार की तरह जैसे रटी रटाई बात हो, उसमें कुछ भी नया नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ खाने की गाड़ी आई, तब जाकर सबकी जान में जान आई। उत्तम राव को उसके साथियों ने यकीन दिला दिया कि फूलमबरी का वोट उसी को जाएगा। यहाँ उत्तम राव गाँव के सभी लोगों को 100 रुपये बाँटने लगा। जैसा कि हमें पता है कि ये चीज़ गैरकानूनी है, चुनाव में पैसा लेना या देना, चुनाव के दौरान शराब बांटना और पैसे बांटना दोनों ही। ऐसा करके लोग बस अपना वोट बेच रहे थे। तभी सुदामा ने एक शख्स को बताया कि वो जाकर नेताजी से बताए कि बूढ़ी ने 1 साल पहले अपना एक जवान बेटा खो दिया, शायद वो उसकी और मदद कर दे। उत्तम राव को बताने पर उसने बूढ़ी को कुछ पैसे छिपा कर दे दिए। बूढ़ी ने देखा नहीं कि वो कितने हैं, पर उसने हाथों में देखा वो 1000 की नोट थी। वो ये देख काफ़ी खुश हुई। रात सुदामा और उसकी पत्नी ने सलाह दी कि उसे संभाल कर रख दे, ऐसे पर्स में इतने पैसे लेकर घूमना ठीक नहीं। रात उसने नोट को खोलकर देखा तो दंग रह गई। उसमें 1000 के 4 नोट थे, यानी कि 4000 रुपये। शायद इसी वजह से रात बूढ़ी को नींद भी नहीं आई। सुबह उठ जब वो गांव में दूध और गुड़ लेने गई तो सभी ने मना कर दिया, क्योंकि ये बात सारे गांव में फैल चुकी थी कि उत्तम राव ने बूढ़ी को 1000 रुपये दिए। वो खेतों में काम कर रहे सुदामा के पास गई। वहां उसने बताया कि कई दिनों से सोच रही थी कि शहर जाकर अपने चश्मे की टूटी हुई कांच बदली करवा दें, और साथ ही अपने बेटे की टूटी हुई फ़ोटो फ्रेम भी, और भी अपनी ज़रूरत के कुछ सामान ले लें। सुदामा ने कहा वो पैसे देखकर बहक गई है। उसने सलाह दी कि उन पैसों को थोड़ा संभाल कर खर्च करें। बूढ़ी ने कहा अगर वो उसके साथ नहीं आ रहा तो वो अकेले ही शहर चली जाएगी। सुदामा उसकी ज़िद के आगे मान गया और वहाँ से दोनों शहर निकल गए। बस में जब कंडक्टर को 1000 की नोट दी तो उसने मना कर दिया। फिर सुदामा ने टिकट के पैसे दिए। जब शहर में चश्मे वाले के पास गए तो उसने भी छुट्टे देने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ फ़ोटो फ्रेम वाले ने भी छुट्टे नहीं दिए। वहाँ से वो एक साड़ी की दुकान पर आ गए, शायद यहाँ उन्हें छुट्टे मिल जाए। पर पैसे देने पर दुकान वाले ने कहा ये नकली नोट है। सुदामा ने सफाई देते हुए कहा ये नोट हमें उत्तम राव ने दिया, क्या इतना बड़ा नेता उन्हें नकली नोट देगा। हालांकि वो नोट असली ही थी, पर वो दुकान वाला उन्हें छुट्टे देने में काफ़ी सोच रहा था। उस दुकानदार ने वही पास में खड़े पुलिस वाले को अपने पास बुलाया और बताया कि ये लोग नकली नोट इस दुकान पर ले आए। उसके बाद बूढ़ी ने अपने बैग से 1000 के 3 नोट उसे निकाल कर दी, शायद इसमें से कोई असली हो। उस पुलिस वाले के पूछने पर उन्होंने एक बार फिर बताया कि ये नोट उन्हें उत्तम राव ने दिए। उसने कहा तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए एक इज्जतदार नेता को बदनाम करते हुए। नकली नोट रखना एक बहुत बड़ा जुर्म है, इसके लिए तुम्हें थाने चलना होगा। ये सुन दोनों डर गए। उन्होंने गुजारिश की आप सभी नोट रख लीजिए, बस उन्हें घर जाने दें। वो ज़बरदस्ती दोनों को थाने लेकर चला गया। वहाँ उनके सीनियर ऑफिसर ने कहा ये नोट तो पाकिस्तान से आए हैं। वो साफ झूठ कह रहा था। उसी थाने में एक बूढ़ा शख्स अपनी कंप्लेन लेकर आया था, शायद उसे किसी ने बहुत सताया है। पर पुलिस ऑफिसर ने उसे डांट कर वहाँ से भगा दिया। यहाँ सुदामा और बूढ़ी ने तय किया वो दोनों ऑफिसर के पैर पकड़ लेंगे, शायद ये देख वो उन्हें जाने की इजाज़त दे देगा। पर उसके पास जाने पर उसने फिर सवाल किया कि ऐसी और कितनी नोट तुम दोनों के पास है। पर फिर सुदामा ने वही बात कही ये नोट उसे उत्तम राव ने दिए।
इस पर उस ऑफिसर ने उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। ये देख सुदामा काफ़ी डर गया, उसे किसी क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा था। हम देखते हैं शाम हो गई, दोनों उसी थाने में बैठे थे। सुदामा इसमें अपनी गलती देने लगा, ना तो वो उत्तम राव को बूढ़ी के तकलीफ़ के बारे में बताता और ना ही वो उसे 1000 रुपये देता। यहाँ वो ऑफिसर हवलदार को 1000 की नोट देकर कहता है, इस पैसे से आज शराब लेकर आ और 1000 का चिकन मटन ले आ, आज रात वो जश्न करेंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि पैसे असली ही थे, बस उन दो बेकसूर को खामखा सताया जा रहा था। उसने कहा, 1000 की नोट किसी गरीब के हाथ में रहना अच्छी बात नहीं, अगर इसी तरह गरीबों को फ्री के पैसे मिलने लगे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। उसे लगता है ऐसा करके वो लोकतंत्र को बचा रहा है, पर शायद ऐसा करके वो लोकतंत्र का गला ज़रूर घोट रहा था। उस पुलिस वाले को ये सब एक खेल सा लगता है। तभी बूढ़ी ने देखा बाहर उत्तम राव की रैली जा रही है, वो पुलिस वाले से नोट छीन कर उत्तम राव की तरफ भागी और नोट दिखाकर कहने लगी कि ये नोट आपने दिया था, पर उत्तम राव ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। तभी पुलिस उसे पकड़ लिया और फिर थाने लेकर आ गई। ऑफिसर उस पर काफ़ी गुस्सा हो गया कि उसने भागने की कोशिश की। उन दोनों को लॉकअप में डाल दिया गया। सुदामा ने उस ऑफिसर के पैर पकड़े कि बूढ़ी से गलती हो गई, वो उसे जाने दे, घर पर पत्नी बच्चे उसके इंतज़ार में बैठे होंगे। पर उस ऑफिसर ने उसकी एक न सुनी और उसे पैर मारकर एक तरफ कर दिया। बूढ़ी और सुदामा अपने नसीब को लेकर रोने लगे, क्योंकि वैसे ही उनके जीवन में क्या कम मुश्किलें थीं जो उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। यहाँ ऑफिसर अपने साथियों के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा है कि उत्तम राव को कैसे लूटा जाए, क्योंकि जब वो इतने पैसे इन गरीबों को बांट रहा है तो उसके पास अच्छे खासे पैसे होंगे। उसके बाद वो एक हवलदार को लेकर उत्तम राव के घर चला गया। वहाँ वो आराम से बैठा मटन और शराब का सेवन कर रहा था। उस ऑफिसर ने बताया कि एक महिला और एक शख्स थाने में रिपोर्ट लिखवाने आए हैं कि रैली में तुमने उसे पैसे दिए। उत्तम राव उन पुलिस वालों पर गुस्सा हो गया कि चुनाव के वक्त मुझे ये सब मसले नहीं चाहिए, कुछ पैसे ले देकर उन्हें दफा करो। उसके पूछने पर ऑफिसर ने बताया उनकी मांग 50,000 की है। यहाँ पुलिस वाला उनका नाम लेकर अपनी जेब गर्म करने में लगा था, पर उत्तम राव ने कहा, उन्हें 50,000 तो नहीं दे सकता, उसने सिर्फ 25,000 ही दिए। उत्तम राव ने उससे कहा, अगर वो दोनों इतने पैसों से भी नहीं माने तो उन्हें भगवान के पास ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि इस चुनाव को जीतने के लिए अगर उसे लाशें भी बिछानी पड़े तो वो ज़रा भी नहीं कतराएगा। यहाँ हम उत्तम राव की एक अलग ही छवि देख पाते हैं, जो कि बिल्कुल अलग थी। वो पुलिस वाला पैसे लेकर वहाँ से निकल गया। यहाँ रात वो पुलिस वाला काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि उत्तम राव ने उसके हिसाब से उसे पैसे नहीं दिए। वो अपने साथियों के साथ बैठ शराब पी रहा था। उसके कहने पर एक कांस्टेबल भीतर गया और अपने बेल्ट से सुदामा को काफ़ी पीटा। उसकी चीखें बूढ़ी सुन नहीं पा रही थी। सुदामा को पीड़ा में देख बूढ़ी रो पड़ी कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, ना ही वो सुदामा को शहर ले आती और न उसके साथ ऐसा होता। पर सुदामा उसे इन सब का ज़िम्मेदार नहीं मानता, शायद ये उनके नसीब का खेल है। सुदामा के मार खाने पर वो ऑफिसर काफ़ी खुश हुआ। इस थाने में जब भी कोई आया बिना मार खाए यहाँ से नहीं गया, फिर क्या गुनहगार और क्या बेकसूर। वो सभी शराब में डूबे हुए थे और यहाँ बूढ़ी और सुदामा ने एक निवाला भी नहीं खाया। बूढ़ी और सुदामा ने जो स्टेटमेंट दी थी कि उन्हें पैसे उत्तम राव ने दिए, उसने उस स्टेटमेंट को जला दिया और वो काफ़ी ठहाके लगाकर हंसने लगा, जैसे इस कारनामे को कर उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। यहाँ सुदामा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ उन्होंने सुबह उठकर देखा थाने में दोनों नहीं हैं, शायद वो दोनों भाग गए। पर सुदामा और बूढ़ी बाहर मूड हो रहे थे। ऑफिसर उनके पास आया और उन्हें वार्निंग दी, यहाँ से निकलकर सीधा अपने गांव जाना और इलेक्शन ख़त्म होने से पहले दोनों कहीं दिखे या उन्होंने इस बारे में किसी से बताया तो वो उन्हें ज़िंदा जला देगा। उसने उन्हें 1000 दिए और साथ में बस का भाड़ा 50 रुपये। पर बूढ़ी ने 1000 रुपये लेकर 50 रुपये वहीं छोड़ दिए। रात मार खाने के बाद
अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा। दोनों फूलंबरी जाने के लिए बस में बैठ गए। रास्ते में एक नदी पड़ी। बूढ़ी ने उस 1000 के नोट को उसी नदी में फेंक दिया, क्योंकि ये नोट किसी अभिशाप से कम नहीं था, और कहानी इसी भावुक दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें इस फिल्म को, तो ये फिल्म एक साथ काफ़ी बातों पर प्रकाश डालती है कि किस तरह से कर्ज में डूबकर बूढ़ी के किसान बेटे ने आत्महत्या कर ली, और किस तरह से उत्तम राव जैसे लोग नोट देकर लोगों का वोट खरीद लेते हैं, और कैसे वो थाना अधिकारी अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहा था। दोस्तों, ये फिल्म 2014 में बनाई गई थी, डीमोनेटाइजेशन से पहले। तब 1000 के नोट एग्जिस्ट करते थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है 1 वोट की कीमत कितनी होनी चाहिए, 1 बोतल शराब या फिर 1000 रुपये? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।